हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ओपन ऑफिस कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडो 11 के अंदर, वो देखेंगे। और प्लीज़ गए, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आप अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको गूगल ओपन कर लेने हैं। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप कर देना है ओपन ऑफिस, इस तरह से टाइप कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से ओपन ऑफिस का ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा होम पेज पे ही यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा अपाची ओपन ऑफिस 4.1.3। ये आज के डेट में लेटेस्ट वर्जन है। हो सकता है आप जिस डेट में इसको डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं उस टाइम इससे ऊपर वाला वर्जन आ गया हो, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सेम तरीके से आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे कोई सा भी वर्जन हो। जैसा मैं अभी आपको बताने वाला वैसा ही आपको करना है, आप उसको आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड अपाची ओपन ऑफिस दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। या नहीं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड दिख रहा है, या तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। दोनों में से कहीं भी क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा सिलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे क्लिक करके आप देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सिलेक्ट करने के लिए दिखेगा। यदि आप विंडो के लिए करना चाहते तो यहाँ पे आपको विंडो के लिए विंडो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आप अपने हिसाब से लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यदि कोई ओल्ड वर्जन चाहिए तो यहाँ से आप ओल्ड वर्जन सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा ऑटोमेटिक यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसको आपके केस में जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा उसी को आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड फुल इंस्टॉल दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना है। कुछ सेकंड वेट करने के बाद ऑटोमेटिक ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, या नहीं तो आपके केस में भी इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। मान लीजिए यदि आपके केस में भी इस तरह से विंडो ओपन होता है तो आपको क्या करना है, आप जहाँ पे भी सेव करना चाहते हैं वो पास सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से exe डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, उस फोल्डर के अंदर जाना है जहाँ आपने exe को सेव किया है, वहाँ पे आपको इस तरह से exe दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस exe को ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि आपके केस में भी यहाँ पे अनब्लॉक दिखता है तो आपको क्या करना है, इसको टिक मार्क कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। यदि आपके केस में यहाँ पे अनब्लॉक नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है, ओके करके बाहर आ जाना है। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, या तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं, या नहीं तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन करके इंस्टॉल कर सकते हैं, या नहीं तो आप यहाँ पे रन एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर भी क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तीनों चीज में से कोई एक चीज आप कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा हमेशा इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए रन एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर ही आपको क्लिक करना है। इसीलिए मैं अपने केस में यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। मान लीजिए यदि आपके केस में भी इस तरह से विंडो ओपन होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना है, जैसा है वैसा ही रहने दीजिएगा इंस्टॉलेशन वाला पाथ। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक फोल्डर दिख जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फोल्डर आ जाएगा। फोल्डर आने के बाद ऑटोमेटिक ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है, आपको मैनुअल कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये विंडो आ जाएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। यदि आपका नाम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप नाम भी चेंज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजर नाम रखना चाहते हैं तो यहाँ पे वो भी नाम डाल सकते हैं। यदि आप ऑल यूजर के लिए यूज करना चाहते हैं तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको सिंगल यूजर के लिए इंस्टॉल करना है तो आप ये वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख जाएगा, टाइप कर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ऐसा ही रहने दीजिएगा, डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाएगा। कस्टमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कस्टमाइज करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। यदि आपको डेस्कटॉप पे शॉर्टकट आइकन चाहिए तो इसको आप टिक मार्क रहने दीजिएगा। यदि आपको डेस्कटॉप पे शॉर्टकट आइकन नहीं चाहिए तो इसको आप अनटिक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको इंस्टॉल दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से ऑटोमेटिक इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको फिनिश लिखा हुआ दिख जाएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद अब यदि आप इस exe को कहीं और सेव करके रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, या नहीं तो आप इसको यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम चेक करेंगे जो इंस्टॉल किया प्रॉपर काम करता है या नहीं करता है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसको ओपन करके चेक कर लेना है। ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, या तो आप यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या नहीं तो आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। दोनों में से कहीं से भी क्लिक करके
को आपको ओपन कर लेने हैं। ओपन होने के बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यदि आप फर्स्ट नाम डालना चाहते हैं तो यहाँ पे नाम टाइप कर सकते हैं, लास्ट नाम टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे भी टाइप करना है तो टाइप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको फिनिश पे क्लिक कर देने हैं। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं विदाउट कोई एरर ये ओपन हो चुका है। अब आप यहाँ पे किसके लिए यूज करना चाहते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यूज करना चाहते हैं, शीट यूज करना चाहते हैं, यहाँ पे आप अपने हिसाब से जिस चीज के लिए भी यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।